नमस्कारम। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जो शुरू है अभी चाइना में, उस टूर्नामेंट का जो सेकंड राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड जो वो बहुत इजीली ड्रॉ हुआ था लास्ट में एंडिंग में, गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप का एंडिंग था, लेकिन ब्लैक ने सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था उसको। और जो सेकेंड राउंड है उसमें क्या हुआ उसके डिटेल्स हम क्विकली देखने वाले हैं। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ वो e4 e5 नाइट टू f3 नाइट टू c6 बिशप b5 नाइट f6। अब नॉर्मली अगर हम रॉयल पीस की बात करें जो कि a6 के बाद आता है, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लेकिन बर्लिन डिफेंस जो कि नाइट f6 के बाद स्टार्ट होता है, और स्पेशली इस वेरिएशन में एक कॉमन चीज हम मानते हैं कि जो मेन लाइन है जिसमें कि इजीली एंडिंग आ जाती है क्वीन एक्सचेंज होने के बाद, वो बहुत पॉपुलर है। तो आगे कैसल किया उन्होंने यहाँ पे वाइट ने, और नाइट इंटू e4 के बाद जो मेन लाइन एक्चुअली है वो d4 नाइट d6 बिशप टू c6 d cut c6 d cut e5 नाइट f5 क्वीन d8 किंग d8 नाइट टू c3। यहाँ पर आप नाइट c3 की जगह रुक d1 पहले भी जा सकते हो, रुक d1 चेक किंग e8 और फिर नाइट c3, या फिर आप नाइट c3 खेल के किंग e8 को आप h3 या रुक d1 में से कोई एक चूज कर सकते हो, जो एक बहुत ही पॉपुलर सेटअप है, मैं बोलूँगा यहाँ स्टार्टिंग पोजिशन है बर्लिन का, जिसमें आप देख सकते हो कि क्वीन गेम के 10 मूव में एक्सचेंज हो चुका है, और एक क्वीनलेस मिडल गेम आप बोलो, या स्लोली कुछ पीसेस एक्सचेंज होने के बाद एक एंड गेम आ जाता है जो कि एक ठीक पोजीशन मानते हैं ब्लैक के लिए। तो नाइट इनटू e4 के बाद वाइट ने उस वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए रूक e1 खेला, जो कि एक साइड लाइन है और ये भी एक पॉपुलर वेरिएशन है इसमें। तो नाइट d6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और नाइट d6 के बाद आप देख सकते हो कि नाइट इनटू e5 है। अभी आप डेफिनेटली नाइट कट b5 नहीं मार सकते हो, बिकॉज नाइट c6 में क्वीन को प्रॉब्लम है उधर d8 पे, तो बिशप e7 के बाद नाइट इनटू d8 सिंपली मार रहा है। तो बिशप e7 खेला यहाँ पे, बिशप टू f1, बिशप f1 के बाद यहाँ पे नाइट इनटू e5 मार दिया ब्लैक ने, और रुक इनटू e5 के बाद कैसल कर दिया। ये देखा जाए तो बहुत थियोरेटिकल मूव्स है सभी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन ये पोजीशन भी वैसे देखा जाए तो बहुत सारे गेम्स में हो चुकी है पहले ही। सो यहाँ पर वाइट ने d4 खेला, बिशप f6, और यहाँ पर आकर वाइट ने रुक e2 खेला। नॉर्मली यहाँ पे जो मेन लाइन है वो ज़्यादातर लोग रुक e1 खेलते हैं इसमें, और उसके बाद c3 खेल के आप खेल सकते हो पोजीशन इसमें, क्योंकि अगर रुक e2 आया था तो बिशप बंद हो चुका है इस डायगोनल से आप देख सकते हो। तो ब्लैक ने यहाँ पे नाइट c4 खेला, नॉर्मली जब रुक e1 खेलते हैं तो नाइट c4 अलाउड नहीं होता, और नाइट f5 खेल के d5 खेलना होता है ब्लैक को। लेकिन यहाँ पर कुछ गेम्स हुए हैं, जैसे कि नाइट c4 की जगह मैगनस कार्लसन और कार्याकिन का एक गेम हुआ था इसमें, जिसमें कि b6 खेला था, रुक e1 रुक e8, और ये पोजीशन एक्चुअली खेली हुई है पहले भी, लेकिन गेम में नाइट c4 खेला ब्लैक ने। हो सकता है ये प्रिपरेशन हो उनका, नाइट c4 के साथ कुछ वेरिएशंस देखे उन्होंने, लेकिन यहाँ पर b3 खेला वाइट ने, और अभी आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली 8 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन डेफिनेटली अभी b3 के बाद c4 को अटैक है, तो नाइट हटाना पड़ेगा आपको, नाइट b6, यही उसका मेन आइडिया था कि नाइट को आप b6 पे रखो और फिर d5 खेलो इसमें, क्योंकि नाइट d6 पे जो है वो d5 को ब्लॉक कर रहा था, जिसके कारण बिशप भी नहीं ओपन हो रहा था। तो c3 खेला यहाँ पे वाइट ने, कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं था इसमें कि c4 खेल के ज़्यादा पॉन्स को आगे बढ़ाए, क्योंकि बाद में d4 वीक हो सकता है बहुत सारे पोजीशंस में। तो यहाँ पर c3 के अलावा भी कुछ गेम्स हुए, लोगों ने कुछ यहाँ पे अलग वेरिएशन भी खेले इंस्टेड ऑफ c3। c3 के बाद c6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, पहले d5 खेल सकते थे, लेकिन c6 और d5 सेम ही आइडिया है वैसे देखा जाए तो। तो यहाँ पर नाइट d2 खेला वाइट ने, नाइट d2 सिंपली नाइट e4 आ सकता है अभी, तो d5 खेला, वैसे भी ब्लॉक करना ही था उसको d5 से, तो नाइट c4 और नाइट e4 दोनों रुक गए अभी। h3 आप देख सकते हैं कि जब नाइट f3 खेलेंगे तो bg4 एक ऑप्शन हो सकता था, तो h3 खेला, इससे बैक रैंक के भी इश्यूज नहीं रहेंगे एंडिंग के लिए, और मेनली g4 भी कवर हो रहा है अभी। तो h3 को यहाँ पर बिशप f5 खेला, नाइट टू f3 बिशप e4 नाइट e5 एंड देन bg5। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि आफ्टर bg5 वाइट ने f3 खेला,
और जहां तक मुझे लग रहा है ब्लैक ने ओपनिंग जो फेस था वो सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था, और डेफिनेटली इस पोजीशन में मैं बोलूंगा कि अगर F3 और H3 फोर्सफुली खेलना पड़ा वाइट को तो वाइट की पोजीशन इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, कोई डायरेक्ट वे भी नहीं है ब्लैक के पास कि इस पोजीशन को क्रैक कर ले। तो बिशप F5 खेला यहाँ पे, बिशप इंटू G5, क्वीन कट G5। वहां पे और पॉसिबिलिटीज थी, जैसे कि आप G4 इमिडिएटली जा सकते थे इंस्टेड ऑफ बिशप G5, लेकिन G5 क्वीन G5 के बाद यहाँ पर अभी थ्रेट है बिशप इंटू H3। आप देख सकते हैं कि G1 पिन है क्वीन G5 से। तो वाइट ने यहाँ पे क्वीन C1 खेला, और क्वीन C1 के बाद यहाँ पे क्वीन इंटू क्वीन एक्सचेंज कर दिया ब्लैक ने, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा चांसेस बन नहीं रहे कुछ भी। अगर आप क्वीन रखना भी चाहते हो बोर्ड पे तो इतने अच्छे स्क्वेयर्स है नहीं, शायद क्वीन G3 आ सकता था मे बी, और फिर से क्वीन C1 आ सकते हैं इसमें, क्वीन E1 सॉरी, और उसको भी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे क्वीन इंटू C1 मार दिया, रुक इंटू C1 और F6 खेल दिया। अभी नाइट के पास D3 तो पोस्ट नहीं है, तो ओनली स्क्वायर है नाइट के पास G4। H5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और H5 को नाइट E3 आ गया, जो कि बहुत ही नेचुरल लग रहा है कि आप बिशप पे अटैक कर रहे हो। BD3 खेला यहाँ पे, और रुक E2 के कारण अभी जो बिशप D3 आया उसको रुक हटाना पड़ेगा, और नेक्स्ट मूव उन्होंने रुक E1 खेला, बिशप कट F1, किंग कट F1। और इस पोजीशन में आके अभी आप देख सकते हो कि आफ्टर G6 मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी साइड को क्लियर कोई एडवांटेज है, और डेफिनेटली वाइट एक ट्राई कर सकता है C4 C5 वो खेले, लेकिन वो भी इतना इजीली चांसेस क्रिएट कर देगा वाइट के लिए ऐसा मुश्किल है। और देखा जाए तो ये पोजीशन अभी तक इक्वली लग रही है, क्योंकि इस पोजीशन में अगर हम बात करें कि आगे जो गेम हुआ था, वाइट ने यहाँ पे G4 खेला जिसमें HG मारा, HG और किंग F7 खेला। डेफिनेटली आइडिया जो है वो अभी रुक H8 और रुक H2 आने का है, और या फिर रुक H1। तो वाइट ने भी यहाँ पे किंग F2 खेला, रुक H8, रुक H1, और दोनों ने ही यहाँ पे जो H5 है उसको कंट्रोल करके रखा है, और ऑलमोस्ट सेफ पोजीशन है दोनों के लिए, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे रुक A8 खेला, नाइट G2 को तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैन्यूवरिंग है वो उसका मेन वाइट का कोशिश है कि G2 आके नाइट F4 और नाइट D3 आए, ताकि बाद में C5 जाके B7 को अटैक कर पाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो वाइट ने भी जब नाइट G2 खेला तो ब्लैक ने नाइट C8 खेला, नाइट C8, नाइट F4, नाइट D6, और फाइनली नाइट D3 के बाद अभी आप देख सकते हैं दोनों के नाइट बहुत अच्छे प्लेस पे है, और यहाँ पर आकर G5 खेल दिया ब्लैक ने, क्योंकि अब 1-2 ये दोनों स्क्वेयर्स है नहीं नाइट के पास, और कोई रियलिस्टिक चांसेस नहीं लग रहे हैं इसमें ब्लैक के लिए या वाइट के लिए। वाइट ने A4 खेला यहाँ पे। एक्चुअली अगर G5 की जगह पे नाइट B5 आए रहते हम में, मतलब जैसे कि यहाँ पे G4 खेला था तो सॉरी G5 खेला था, तो G5 को अगर नाइट B5 खेलते तो नाइट B5 को C3 पे अटैक है। मतलब अभी हम देख सकते हैं कि रुक इंटू H1, रुक कट H1 और नाइट इंटू C3 आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वाइट जो है वो बहुत सिंपल चांसेस क्रिएट कर सकता है, जैसे कि रुक इन टू H1 एक वेरिएशन हो सकता है इसमें, और रुक इन टू H8 एंड रुक इन टू H8 के बाद मुझे लगता है ये पोजीशन में A4 भी खेल सकते हैं इमिडिएटली, या फिर किंग G3 किंग G2 में से कोई भी खेल सकते हैं। किंग G2 भी मुझे लगता है सेफ ही होगा, बिकॉज अगर आप रुक E8 आते हो तो यहाँ पे फिर से वही रिपीटेशन है दोनों के पास। लेकिन गेम में G5 खेला था 31 मूव पे, 31st मूव पे, और आफ्टर G5 यहाँ पर A4 खेल दिया, क्योंकि नाइट B5 रोकना बहुत ज़रूरी था इस कंडीशन में। अगर दोनों में से किसी भी नाइट को अच्छा कोई एक बहुत अच्छा आउटपोस्ट मिल जाता है तो फिर भी थोड़े चांसेस बन सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें कोई फिलहाल कोई चांसेस बन रहे हैं। तो A5 खेला यहाँ पे, रुक कट H8, रुक इन टू H8, किंग G2, आफ्टर रुक E8, दोनों ने इधर मूव रिपीट किए अगले 3 मूव तक, किंग F2, रुक H8, किंग G2, रुक E8, और अगले और 2 मूव में यहाँ पर ड्रॉ एग्री कर लिया दोनों ने, क्योंकि रिपीटेशन हो गया था। और इस कंडीशन में जैसे ही हम बात करें कि वुमन वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो बात है, तो इस बार जो रशियन जो कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता था अलेक्जेंड्रा गोरियाचकिना ने, और वो जू वेंजुन के साथ खेल रही है जो कि चाइनीज प्लेयर है,
तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कि इसके पहले जो चाइनीज स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी वो हाउ यूफान थी, और उसके पहले अगर हम बात करें कि वुमेन्स चेस में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कुछ प्लेयर थे उनमें से हमेशा हम एक नाम कभी नहीं भूलेंगे कि जुडिथ पोलकर जैसे प्लेयर शायद ही बहुत सालों के बाद भी कोई आ सकती है। लेकिन अगर जुडिथ और हाउ यूफान या फिर अगर हम बात करें इंडियन प्लेयर जैसे हम्पी की, तो भी कुछ और प्लेयर है जैसे अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वुमन चेस के अलावा मेंस में भी यानी ओपन टूर्नामेंट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मुझे लगा कि इनकी टूर्नामेंट को जो भी अच्छे गेम्स होते हैं उनको कवर करते हैं। ये इसमें इतना एक्साइटिंग कोई गेम नहीं होता, लेकिन अगर ओपनिंग चॉइस की बात करें और जैसे ये 12 राउंड का एक मैच है तो उस हिसाब से स्टार्ट के हिसाब से ये फिलहाल सही था। मुझे उम्मीद है कि और अच्छे गेम्स होंगे इस टूर्नामेंट में और मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं कवर करूं। आपको अगर कोई लगता है गेम तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कोई गेम, तो आई विल ट्राई और देखते हैं कि कितना अच्छा चेस हम लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।